हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सड़ी पॉकेट में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का यानी कि 26 जुलाई का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल हमारा इकोनॉमिक माइग्रेशन के बारे में है। अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स हैं, पर लेकिन ये पॉइंट्स ना काफ़ी हद तक रेलिवेंट नहीं है। कुछ तो रेलिवेंट हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है कि इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये रिपोर्ट है एक इकोनॉमिक माइग्रेशन रिपोर्ट। देखो, आर्टिकल ये कहता है कि जो एक समय था, कि जमाना था, कि जब जो मर्द घर के जो मैन थे यानी कि मर्द थे, वो घरों से बाहर जाते थे और लेडीज़ घर में उनका इंतजार करती थी। मतलब कि लेडीज़ को काम करने का इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। वो ज़माना अब जा चुका है। एक नया पेपर रिलीज हुआ जिसमें ये पाया गया कि पिछले 3 दशकों में जो वुमेन माइग्रेंट्स हैं उनकी गिनती काफ़ी बड़ी है। यानी कि औरतें घर से बाहर निकल के काम करने के लिए जाती हैं, अच्छी चीज़ है। 64th NSS के मुताबिक, नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक, जो कि 2008 में हुआ था, ये कहा गया कि 45.6% जो वुमन है अर्बन एरिया में वो बाहर जाती हैं, एज कम्पेयर टू 38.2% इन 1993। यानी कि 15 साल में सिचुएशन काफ़ी अच्छी हुई है। और जो माइग्रेशन का रीज़न है वो चीफली इकोनॉमिक है। यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और सेंसस के मुताबिक ये पाया गया, ये माइग्रेशन कोई वैसी वैसी नहीं है, ये इकोनॉमिक है। यानी कि नौकरी के लिए बाहर जा रही हैं औरतें, और जो एवरेज एज है प्रेगनेंसी की और मैरिज की वो बढ़ रही है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और वुमेन है वो एंट्रिंग कर रही है वर्कफोर्स में, अपना लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ा रही हैं। और कोई भी काम है, देखो आर्टिकल ये भी कहता है कि उनको धकेला जा रहा है कि किसी भी काम में, पर लेकिन यहाँ पर अग्रेरियन डिस्ट्रेस के कारण और मैन की इनेबिलिटी के कारण एम्प्लॉयमेंट फाइंड करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, देखो मैं जाता हूँ आपको। देखो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लेडीज़ के लिए एक पब्लिक स्पेस बने। अगर उनको, देखो आपको पता है कि दोस्तों, इस साल का जो, मैं आपको बताऊं अपनी तरफ से बताऊं, इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, अगर हम इस आर्टिकल को और एनालाइज करें, इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये पाया गया कि वुमन को लेबर पार्टिसिपेशन में जाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमने कई आर्टिकल डिस्कस किए हैं। सरकार का मैटरनिटी रिलीफ है, जो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ है, जिसमें सरकार ने 12 हफ्तों से 26 हफ्ते कर दिया है लेडीज़ का जो प्रेगनेंसी के जो छुट्टी है जो उन इतनी कर दी है। तो ये जो सिस्टम है ना, इससे लेडीज़ के जो औरतों के जो वर्कफोर्स में काफ़ी कमी आई है। हर कंपनी, हर पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो बड़ी कंपनी वुमेंस को हायर करने से कतरा रही हैं। मतलब कि क्या है, मतलब ये है कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब कम मिलती है लेडीज़ को, और जो मिलती है वो इनफॉर्मल में मिलती है। ठीक है, यानी कि ठीक है, इनफॉर्मल में मिलती है, जो इसके लेबर वर्क हो गया, छोटे काम हो, देख काम कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे खेतों में काम करना, सैलरी करना, ठीक है, मजदूरी करना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें वुमेन के लिए, तो आर्टिकल ये कह रहा है कि यहाँ पर पब्लिक स्पेस भी काफ़ी सिक्योर नहीं है। ठीक है, पब्लिक स्पेस वुमेंस के लिए काफ़ी सिक्योर नहीं है, और सरकार की तरफ से इतना कोई रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बना सके कि वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पर काम कर सकें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनको वुमन को लेबर वर्कफोर्स में धकेला जाता है। और सरकार क्या करती है, सरकार को यहाँ पर चाहिए कि एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो कि जो वायलेंस है वो ना हो वुमन के लिए। ठीक है, और आर्टिकल देखिए ये कहता है कि देखो वर्कफोर्स बड़ी है, वर्कफोर्स जो बड़ी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बड़ी है, कोई बड़ा कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है कि अगर हम कहें कि वो किसी कंपनी के अच्छे लेवल के ऊपर है, ऐसा काम काफ़ी कम है, ऐसा लेवल काफ़ी कम है। ठीक है, पर लेकिन ये जो मूव आया है, ये जो काम करने का अंदर से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये वेलकम मूव है, और इसके लिए सरकार को और करने की आवश्यकता है। मोर टू बी डन, मोर हैव डन एंड मोर टू बी डन, काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। इसमें पहला क्या है कि यहाँ पर देखो, इंडियन वुमेन के ऊपर काफ़ी बर्डन होता है, डोमेस्टिक बर्डन, फैमिली का प्रेशर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सरकार को और सभी को इस चीज़ को एक्नोलेज करना चाहिए कि देखो, इंडियन वुमेन की सिचुएशन काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, और गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को इसमें काफ़ी कोऑपरेट होना चाहिए कि जिससे वुमेन को आगे लेके आया जा सके। ठीक है, ये आर्टिकल था बस। ठीक है, इसमें सर्वे के बारे में ही है, तो आर्टिकल में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। ठीक है, पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब तो काफ़ी ज़्यादा है, पर ये फॉर्मल में काफ़ी कम है। ठीक है, फॉर्मल में काफ़ी कम कर रही हैं लेडीज़, उनको मिल नहीं रही है, तो जो चैलेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट्स। तो अगला आर्टिकल दोस्तों, मुंबई बंद के बारे में। आपको पता है कल मुंबई बंद था, एक प्रोटेस्ट चल रहा है मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा। ठीक है, और
डिमांड कर रहे हैं कोटा के लिए, रिजर्वेशन के लिए, और ये काफ़ी वायलेंट हुआ काफ़ी एरियाज में। और सीएम ने तभी एक मीटिंग बनाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसको जो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन की तरफ से, और यहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट है कि ये रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट के पास लेके जाएगी, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास लेके जाएगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले 2 बार गवर्नमेंट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने 16% कोटा देने का वादा किया था, और उसको तो अदालत ने कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। अब सरकार क्या करेगी, ये जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट को कोर्ट के पास लेके जाने की संभावना जताई जा रही है। तो ये आर्टिकल है, देखो आर्टिकल कहता है कि मराठा में जो एंगर है काफ़ी, वो बैकवर्डनेस के कारण है, ठीक है, लोगों को उनके उचित राइट्स नहीं मिलते। ये सेक्शंस ज़्यादा जो है वो किसानों का है, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा किसान लोग, किसान भाई हैं, और उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, जैसे कि हरियाणा में जाट्स हैं, पटेल्स हैं, गुजरात में ये जॉब की डिमांड करते हैं, ठीक है। और जो वो आर्टिकल ये कहता है कि देखो मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनको जॉब तो मिल रही है पर लेकिन इनको नहीं मिल रही है, सेक्शन काफ़ी पछड़ा हुआ है, और जो बढ़ते दाम, ठीक है, और एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आना, ठीक है, ये चीज़ों से उनका जो व्यापार है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो सरकार को इसके लिए तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ने 2016 में भी, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने 2016 में भी काफ़ी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी पर फेल हो गई थी। देखो 11,555 में से 253 लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा मिला था, पर लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की फेलियर देखने को मिली, इसलिए वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अगर कल को फिर से कोई इसके लिए पॉइंट आएगा तो हम इसको एक्सटेंड करके डिस्कस कर लेंगे। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दिनेश भोंजी का आर्टिकल है, ये आई दिल्ली में पढ़ाते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने पढ़ा है कि सरकार ने इस साल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में 6 इंस्टीट्यूट्स को नामांकित किया है, जिसमें आर्टिकल कहता है कि एक का तो वजूद ही नहीं है, ठीक है, यानी कि IISc, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पे जिसको बिट्स कहते हैं, और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और जियो इंस्टीट्यूट। आर्टिकल कहता है कि जियो इंस्टीट्यूट का तो वजूद ही नहीं है, ठीक है, इसको आपने क्यों लेके आया, ये ग्रीन फील्ड के अंडर रखा गया है आर्टिकल सरकार की तरफ से। देखो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको परमिट किया जाएगा कि आप 30% फॉरन स्टूडेंट्स को परमिट कीजिए, आपके ऊपर फीस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप AICTE और UGC के रेगुलेशन से बाध्य में से बाध्य नहीं हो, आप इनसे फ्री हो। और ये जो है इस ये चीज़ें जो है, मतलब कि इन इंस्टीट्यूट को पूरी फुल अटोनमी दी गई है, और ये पाँच टॉप 500 में आने के लिए है, ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 में आने के लिए है। अब आर्टिकल इसके ऊपर व्यंग कसेगा कि रैंकिंग क्या है, ये रैंकिंग पता क्या है, ये रैंकिंग कुछ नहीं है, रैंकिंग ये टैग है, आपको खुद से अच्छा होना है, ठीक है, इसके लिए आर्टिकल है। देखो कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है, आर्टिकल ध्यान सुन दोस्तों, आर्टिकल ये कहता है कि देखो IIT में और IISc इनके पास तो पहले से ही ऑटोनॉमी है, जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस जो बेंगलुरु में है, इनके पास तो पहले से ही ऑटोनॉमी है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, फंडिंग के लिए रिसर्च इनको मिल जाती है, इनके पास अच्छा सब कुछ है, क्या रिसर्च करनी है, कितना पैसा कौन सी रिसर्च के लिए चाहिए, इनके पास तो सारे प्रावधान के लिए सभी रिसोर्सेज हैं, पर लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, अगर फीस कल को बढ़ाई जाती है तो। दूसरा रैंकिंग, जो ये रैंकिंग सिस्टम है, ये क्यूएस बात है, आप बात कर रहे हो टाइम्स हायर रैंकिंग की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो क्यूएस क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, ये रैंकिंग का सिस्टम जो है ये रैंकिंग तो 10 साल पहले आया है कुछ, ठीक है, 2005 में आया है, उससे पहले रैंकिंग कहाँ होती थी, ठीक है। और आर्टिकल कहता है कि जो IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, ये तो पहले से ही टॉप 500 में है, भारत की तरफ से अकेला IISc ही है जो टॉप 500 में है दुनिया के, बाकी तो अमेरिका के, चाइना के, यूरोपियन के यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आर्टिकल कहता है कि अगर आपको रैंकिंग का इतना ही शौक है तो आप अपनी खुद की रैंकिंग कर लो, आप अपनी खुद की रैंकिंग क्यों नहीं करते, ठीक है। आगे आर्टिकल कहता है कि टाइम्स और KYC क्यों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए कि रैंकिंग तब अपीयर होती है जब एजुकेशन एक्सपेंसिव होती है US में और UK में, और ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन देशों में जाते हैं, ये रैंकिंग जो है वो रेपुटेशन के लिए होते हैं, एम्प्लॉयर के व्यूअर के लिए होते हैं, और फॉरनर के आउटपुट के लिए भी होते हैं, मतलब कि पूरी तरह अकेडमिक नहीं होते,
देखो ध्यान सुनो, ये रैंकिंग जो है पूरी तरह एकेडमिक नहीं होते। देखो किसी यूनिवर्सिटी को अगर आप उसके एकेडमिक आउटकम्स की तरफ से नहीं मान रहे हो, अगर किसी यूनिवर्सिटी को अगर आप उसकी परफॉर्मेंस के तौर के ऊपर नहीं मान रहे हो, तो यूनिवर्सिटी किस चीज़ की? इम्पोर्टेंट तो उसकी एकेडमिक रिजल्ट ही है ना। आगे आर्टिकल ये कहता है कि देखो जो दिनेश मोहन जी हैं वो ये कहते हैं कि आज तक मैं किसी भी ऐसे सीरियस स्टूडेंट को नहीं जानता कि जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्च में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उस जो कहे कि मैं ओवरऑल रैंकिंग कि जो ये कहे कि मैं ओवरऑल रैंकिंग बेस्ड, जिसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है मैं उसी में जाऊंगा, ठीक है। यानी कि क्या है कि आप जो है रैंकिंग तो सिर्फ आपको आपका सरकारों का काम है, ये सरकारों तक सीमित है। जो ग्राउंड के ऊपर बच्चे क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। क्योंकि मान लो एक बच्चा है ए, ठीक है, स्टूडेंट है ए, मतलब को राम है, मान लो राम स्टूडेंट है, राम वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो रिसर्च करना चाहता है। आर्टिकल के जो राइटर है ठीक है दिनेश मोंजी, ये कहते हैं कि मैं ऐसे किसी कोई भी स्टूडेंट को नहीं जानता जो ये देख के रिसर्च कर रहा हो कि मुझे दुनिया के टॉप 500 में ही जाना है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखो देखो आईआईटी में आईआईएससी में जो बच्चों को हायर करने का तरीका है और फैकल्टी को हायर करने का तरीका है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, वो काफ़ी सॉरी वो काफ़ी अलग अलग है। यानी कि अगर कोई बच्चा प्लस टू के बाद स्टूडेंट जाता है आईआईटी में तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है आईआईटी का, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मतलब कि पूरा तोड़ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पूरे एक तरह का कहना भी पूरा मतलब कि काफ़ी डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है आईआईटी का। दुनिया हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है यूपीएससी के बाद आईआईटी का। यानी कि क्या है, बच्चों को हायर करने का तरीका तो काफ़ी आपका डिफिकल्ट है और फैकल्टी के लिए आपके पास कोई सिस्टम रोबस्ट नहीं है। यानी कि फैकल्टी को अगर हायर करना हो ना आईआईटी में तो हाँ ठीक है, फैकल्टी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, पर लेकिन आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में तो कई सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऐसी हैं, कई कई पोस्ट ऐसी हैं जो अभी तक वेकेंट पड़ी हैं। तो सिस्टम क्या कर रहे हैं, आपको बनना है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, आपके पास पूरी तरह फैकल्टी नहीं है तो आप कैसे करोगे काम, ठीक है। और अगली बात, दूसरी कंसर्निंग इशू ये है कि जो प्राइवेट संस्थान है हमारे भारत में वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं कि साइंटिफिक में और टेक्नोलॉजिकल करियर में वो कुछ कर सकें। तीसरी बात, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे वो कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं, पर लेकिन जो जो प्राइमरी स्कूल की और प्लस सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल की फीस है वो इतनी ज़्यादा है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, ठीक है। प्लस टू की प्लस वन की 10th तक की जो फीस होती है अच्छे स्कूलों की बड़े स्कूलों की, वो फीस इतनी ज़्यादा है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती और गवर्नमेंट स्कूल में इतना सिस्टम रोबस्ट नहीं है कि वो पढ़ सकें, ठीक है। वहाँ पर तो टीचर्स भी नहीं आते पूरी तरह से, तो वहाँ पर तो पीने का पानी साफ नहीं मिलता, ठीक है। आगे देखो आर्टिकल अंत में ये कहता है कि भारतीय संस्थान को बनना है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, पर लेकिन ऐसा बनने के लिए आपका कोई एम नहीं है। यानी कि क्या है कि आपकी एमलेस रैंकिंग है, ये रैंकिंग जो है वो एक एमलेस है, ठीक है। क्या हुआ जो टाइम्स हायर है या जो टाइम्स हायर है या क्या हुआ है, ये एमलेस है। आपने कोई टारगेट निश्चित नहीं किया, हमें ये करना चाहते हैं, आपने सिर्फ एक टैग दे दिया आईओई का जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। क्या रेलिवेंसी है, आप किस चीज़ के ऊपर देख के कर रहे हो? कोई कोई फॉरेन स्टूडेंट्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर क्योंकि हमारे यहाँ संस्थान आईआईटीज तो लिमिटेड ही है ना, जो आईआईटीज है जो इंस्टीट्यूट मान लो बन भी गया, बन के अच्छा बन भी गया, आप उसने अच्छा काम कर भी दिया, तो वो तो लिमिटेड ही है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए उस तो आप क्या कर रहे हो वो तो आपने बताया नहीं। अगली बात, देखो बच्चे हर साल निकल के काफ़ी आ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे हर साल निकल के ज़्यादा आ रहे हैं, पर लेकिन उनके लिए जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी कम हैं और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है। और बड़ी बात, एक और बड़ी बात यह है कि बच्चों को तो जो गांव के बच्चे हैं जो काफ़ी अर्बन सॉरी जो काफ़ी रूरल एरिया से आते हैं उनके पास तो ऐसी एजुकेशन ही नहीं है कि वो पढ़ के यहाँ तक पहुँच सकें, वो सोचते भी नहीं कि हमने आईआईटी में जाना है। तो क्या करोगे आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लेके, जब तक आपके स्टूडेंट्स यही नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए स्ट्रगल ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो कोई भी देश दुनिया में महान नहीं बनता कि वो नहीं बनता जब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन की फ़ीस हाई हो। आपको सबसे पहले अपनी प्राइमरी एजुकेशन की फ़ीस को ठीक करना पड़ेगा कि बच्चों के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आए, स्टूडेंट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी आए कि वो आगे चल के कुछ कर सकें,
ठीक है, आईआईटी में जा सकें, तब जाके आप आईआईटी को बनाओ। अपने पास इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस तब आएगा, आप तब आओगे 500 में, तब आओगे, तब देखेंगे रैंकिंग आपकी, ठीक है। ऊपर से एजुकेशन लोन काफ़ी मुश्किल से मिलता है, और जो एजुकेशन है वो तो एक अमीर लोगों का रह गया, अभी जो अमीर लोग हैं वही एजुकेशन करवा लेंगे, जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। और बड़े बड़े जो देश हैं जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, वहाँ पर क्या एजुकेशन फ्री है? वहाँ पर यहाँ वहाँ पर तो किताबें फ्री मिलती हैं, यहाँ पर तो हमारे इंडिया में सिचुएशन इतनी ख़राब है, एजुकेशन फ्री तो क्या, किताबें भी इतनी महंगी मिलती हैं कि पूछो मत। इस तरह के सिनेरियो में, इतने इंटेंस सिचुएशन में रिसर्च कहाँ सोचेगा? मान लो इतनी इंटेंस सिचुएशन है कि लोग एक नौकरी के लिए इतनी मारामारी कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में कौन सोचेगा कि रिसर्च करनी है? कोई भी नहीं सोचता रिसर्च करनी है, तभी हम रिसर्च में पीछे हैं। देखो एक आर्टिकल था फ्रेंड्स, एक आर्टिकल में कितने पॉइंट्स निकल के आए कि जिसमें हम मल्टीपल डायमेंशन में हम पॉइंट उठ सकते हैं, हम रिसर्च में क्यों पीछे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की क्या रेलेवेंसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। वो आर्टिकल ये कहता है कि इतनी इंटेंस सिचुएशन, वहाँ पर बच्चे रिसर्च के बारे में सोच नहीं पाते, और अंत में ये कहते हैं कि जब तक हम एजुकेशन को सभी लेवल्स के ऊपर फ्री नहीं कर देंगे, सरकार इसके ऊपर अच्छा प्रावधान नहीं करती और जॉब अपॉर्चुनिटीज को नहीं बढ़ाती, तब तक सिचुएशन संभलने वाला नहीं है, और एक लिटिल चांस है हमारे पास कि हम साइंस को और टेक्नोलॉजी को एक्सेल कर सकें, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इसको आर्टिकल को आप इसके पॉइंट बना लो आप, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल दोस्तों स्टारवेशन डेथ के बारे में है, केस स्टडी है सवित्री देवी, एक 58 ईयर ओल्ड लेडी, इनकी डेथ हो गई है भूख से, और आर्टिकल कहता है कि पिछले साल 11 साल की लड़की भी, उसकी भी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको जो था राशन नहीं मिल पाया था पिछले 6 महीनों से। आर्टिकल कहता है कि स्वित्री बाई की, सॉरी, जो स्वित्री बाई थी उनकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो फ्री राशन मिलता है उसमें उनको 6 साल से खाना नहीं मिला था पीडीएस में, ठीक है, तो घर का खर्चा नहीं निकलता था, तो इतनी गरीबी में वो खाना लेने में समर्थ नहीं थी। तो ये आर्टिकल कहता है कि देखो इतना हम आगे पहुंच चुके हैं, हम वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं, हम देश की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या लोगों को आज के ज़माने में ऐसी केस निकल के आना कि किसी की डेथ होगी वो भूख के कारण, हाउ, कैसे, हम क्या इतने गिर गए हैं कि किसी को खाना तक खिला नहीं सकते? आर्टिकल कहता है कि देखिए दोस्तों इनकी डेथ हो गई पर लेकिन इसकी कोई डिबेट नहीं होगी। डिबेट क्यों नहीं होगी? क्योंकि देश में ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मालनरिश्ड लोग काफ़ी ज़्यादा हैं जो भूख से मर रहे हैं, तो इसके ऊपर डिबेट इसलिए नहीं होगी, ठीक है। और देखो हमारी कंट्री कितनी गिर चुकी है कि लोगों के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और कंट्री जहाँ पर जो खाना है वो रैट्स को मिल जाएगा, चूहों को मिल जाएगा, पर लेकिन इंसानों को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड में आर्टिकल ये कहता है कि रियलिटी ये है कि इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी, इंडिया में काफ़ी माल नरिश्ड लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, हर तीसरा बच्चा हिंदुस्तान में स्टंटेड है, क्रॉस स्टंटेड है, जिसका वेट कम है, जिसका हाइट कम है, ठीक है, स्टंटेड है वो, और काफ़ी लेस डेवलप्ड बॉडी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिन बच्चों की डेथ 5 साल से कम उम्र में होती है, यानी कि 5 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की जनसंख्या में सबसे बड़ा कारण पाया जा रहा है माल न्यूट्रिशन, और इंडिया इसमें सबसे आगे है, 3 लाख बच्चा हर साल डेथ होती है भारत में बाल न्यूट्रिशमेंट के कारण, 70 साल हो गए। देखो अगर भूख के कारण दिमाग में काफ़ी अच्छी दिमाग में हमारे जो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती, हमारा हड्डियां डेवलप नहीं हो पाती, तो देखो कितना ज़्यादा सिस्टम हमारा ख़राब है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद हम इस चीज़ को रोक नहीं पाए हैं, जहाँ तक कि और गरीब कंट्री जो हमसे भी गरीब है उन्होंने तो इस चीज़ को रोक भी दिया है कब कब का, पर लेकिन हम क्यों नहीं, ठीक है। और आर्टिकल अंत में ये कहता है हमें बहुत ही अच्छा होलिस्टिक और कोऑपरेटिव सोल्यूशन चाहिए जिससे कि हम कम से कम स्टारवेशन को रोक सकें, भूख से मरने वाले लोगों की जनसंख्या बिल्कुल बंद कर सकें, इस चीज़ को हमारे देश से निकाल सकें, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के डिस्कशन, आज की डिस्कशन, तो हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।